पर बताया जा रहा है कि शैतान की पैरवी मत करो। सूरतुन नूर आयत नंबर 21, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। ए ईमान वालों, तुम शैतान के नफ्स के कदम पर ना चलो। शैतान कैसा भटका था, आके सामने से नहीं भटकाएगा, विस्पर करता। पहले एक दिमाग में बात डालता, अच्छा ये कर लो, फिर उसके बाद बोलता कि इतना भी बुरा नहीं है, ये कर लो, सो ऑन सो फोर्थ। तो हम क्या करते, शैतान की पैरवी करते, और शैतान की पैरवी कैसा करते, हिडन वे में करते। और वो बाज़त ऐसा करता कि आपको जो चीज़ें पसंद है उसी से वो आपको पैरवी कराना शुरू करता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या है, कुरान और सुन्नत की पाबंदी, सुबह शाम की दुआएं, और साले सोबत जरूरी है। अगर हम गलत सोबत रखेंगे और हम अपने दोस्त के दीन पे होते, अगर हमारे उठने बैठने वाले दीन पे नहीं है, गाफिल है, तो फिर खुतवाती शैतान आसान है। हम इससे बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला एक्सक्लूसिवली ईमान वालों को एड्रेस कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तत्तबिउ खुतवाती शैतान। क्या ये कैसा पैरवी है, जैसा कभी आप स्नो में देखे, आप चले तो पूरे फुटप्रिंट्स बन जाते, तो आप एग्जैक्टली वो फुटप्रिंट्स पे चलते ना, वैसा शैतान क्या कर रहा, अपने पीछे लगाए हुआ है। चाहे वो गानों के थ्रू, मूवी के थ्रू, या खराब चीजों के थ्रू, या लोगों के बारे में वसवसे, लोगों के बारे में गलत बातें, लोगों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हम शैतान की पैरवी नहीं करना है, आऊज़ु बिल्लाह करना है, 70 एक्सक्यूजेस देना है, और कुरान और सुन्नत की पैरवी करना है। जजाक अल्लाह खैरन कसीरा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम है इल्म है फर्स्ट वर्ड, कुरान फॉर ऑल बयान, इंग्लिश और उर्दू में बयान है, और प्लेलिस्ट भी है।